नमस्कार दोस्तों, प्रेमा कुकिंग में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी रेसिपी है गाजर का हलवा बनाऊंगी मावा के साथ। तो आइए देखिए, ये गाजर मैंने बहुत अच्छी तरह से धो के साफ करके इसको कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस देखिए मैंने इस तरह से था, ये इसी में मैंने कद्दूकस किया है। तो इसमें बहुत अच्छी तरह से हमारा कद्दूकस हो गया है। अब ये देखिए इसमें मैं ये मावा ली हूँ, तो ये मावा डालूंगी, आज मावा का हलवा बनाऊंगी। अब देखिए इसमें चीनी 1 किलो हमारा ये है, 1 किलो ली हूँ इसको गाजर। तो देखिए आधा किलो हमारा चीनी है, आधा किलो चीनी ली हूँ। और देखिए आधा किलो दूध है पैकेट वाला। और देखिए इसमें ये छोटी सी इलायची है, छोटी की इलायची ये डालूंगी। अब यही मावा के साथ में बनाऊंगी। तो आइए देखते हैं, अब हम इसको रखते हैं बनने के लिए। देखिए दोस्तों, मैंने इसी कढ़ाई में मावा निकाला था, तो इसी कढ़ाई में मैंने दूध डालती हूँ, 1 पैकेट दूध डालती हूँ इसी कढ़ाई में। अब मैं जो गाजर घिसी हूँ, हमेशा याद रखिएगा, हमारा दूध ठंडा है तो गाजर भी ठंडा ही डालना है। अगर हमारा दूध गर्म है तो गाजर को भी कढ़ाई में पहले डाल के गर्म कर लेना, तब उसके बाद जाके दूध डालना। तो हमारा दूध ठंडा है इसलिए मैं गाजर भी इसी में डाल दूंगी तुरंत। ये देखिए अब हम इसको पूरा अच्छी तरह, गैस हमारा जल रहा है, अब हम इसको मिला लेते हैं अच्छे से। ये देखिए क्योंकि मैं मावा डालूंगी इसलिए दूध ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दूध डाल के खाली इसको पकने तक ही डालना है दूध, ज़्यादा दूध नहीं डालना है, हमें मावा डालना है इसीलिए मैंने थोड़ा इसमें डालूंगी। देखिए दोस्तों, मैंने आँच तेज कर दिया है, गाजर भी ठंडा है फ्रिज से निकाली हूँ, भेज के रख दिया था फ्रिज में, और दूध भी ठंडा है फ्रिज से निकाली हूँ, तो इसीलिए मैं अभी इसको ढकना नहीं है, बराबर इसको चलाते रहना जब तक से दोनों गर्म ना हो जाए, तब तक से आप चलाते रहिए। ये देखिए अभी हमारा बस बराबर ही दूध डाला है, इसे ज़्यादा दूध नहीं डाला है। अभी अच्छी तरह से गर्म हो जाए इसके बाद मैं ढक के बनाऊंगी, अभी ऐसे ही चलाती रहूंगी। आप भी ऐसे ही करिए, ट्राई करिए। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी तरह से भी हमने मिला लिया है इसको, अभी भी पूरी तरह से अच्छा सी गर्म तो हुआ है लेकिन अच्छी तरह से भी गर्म नहीं हुआ है, अभी भी इसको चलाना है। अगर नहीं चलाएंगे बराबर, ढक देंगे तो ये फट भी सकता है क्योंकि ठंडा गर्म है ये, इस वजह से चलाना है इसको, फटने नहीं देना है इसका दूध। तो अभी जब तक जब इसमें उबाल आने लगेगा इसके बाद आप ढक के आराम से पकने देना, वो भी मीडियम आंच में। तो अभी हमारा गर्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ी देर और पकने देती हूँ। देखिए दोस्तों ये अच्छी तरह से मेरा उबलने लग गया है, अभी उबल रहा है, अब इसको चला करके अब हम मीडियम आंच में ही इसको ढक के पकाएंगे, मीडियम आंच में ढक के पकाएंगे क्योंकि ये अच्छी तरह से जब तक से जल गर्म ये गाजर आपका जब मिसाने लगा पक जाता है गाजर, इसके बाद आंच को तेज कर देना, फुल फ्लेम में कर देना है कि ताकि फुल में रहेगा तो दूध को पूरी अच्छी तरह से जलना है। तो देखिए अब हम ढक के इसको पकाते हैं। देखिए दोस्तों अब हमें ढक्कन लगा दिए हैं, अब इसको कभी भी फुल ढक्कन नहीं लगाना है, इतना खाली छोड़ना है, नहीं तो ये ऊपर से बहने लगेगा। देखिए इतना खाली रखना है, तो इसी तरह रख के अभी इसको मीडियम आंच में ही पकाते हैं। देखिए दोस्तों 5 मिनट हो गया है, अब देखिए अब इस तरह से हमारा बन रहा है, मीडियम आंच में ही रखी थी, अभी हमारा पकने पर आ गया है, अब इसको मैं तेज आ रहा हूँ। देखिए दोस्तों मेरी अच्छी तरह से पूरा भुन गया है, अब इसको बंद कर देती हूँ। अब चलिए देखते हैं कि हमारा हलवा कैसा है, हलवा को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों अब हमारा हलवा भी, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट जो ली हूँ मैंने जो भुना था उसको भी इसी में मैं डाल देती हूँ। देखिए ड्राई फ्रूट भी डाल दिया, अब इसको चला लेते हैं, अब फिर एक बार पानी छोड़ेगा ये, पहले का दूध पूरा जल गया था, अभी देखिए अब पानी छोड़ रहा है ये। देखिए दोस्तों अब एकदम से सूख गया दोस्तों, पूरी अच्छी तरह से मेरा हलवा बन गया है, अब कहीं भी नहीं पानी, बिल्कुल पानी नहीं है, चीनी भी बिल्कुल अच्छी तरह से सूख गई है। ये देखिए इस तरह से सूख गई है हमारी चीनी, ये देखिए कहीं पानी नहीं है, बहुत अच्छा से पक गया। अब इसमें मैं मावा डालती हूँ, अब मावा डालती हूँ इसमें, मैंने घर में ही मावा बनाई थी। ये देखिए 3-2 पैकेट दूध चलाई है, इसी में मैं मुझे मावा मिल गया, इतना आ गया है, अब इसको मैं इसमें मिला रही हूँ। अभी गैस चल रहा है हमारा, और मिलाने के बाद मैं गैस बंद कर दूँगी, उससे हमारा हलवा बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है। दोस्तों मैंने मावा अच्छी तरह से इसमें मिला लिया है, पूरी अच्छी तरह से हलवा भी बहुत ही अच्छा बन गया है, बहुत ही टेस्टी है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आप ज़रूर बनाएँ, ट्राई करें, लाइक करके जरूर बताएँ, अब 100 करके आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों मेरा मावा और गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी हो गया है, आप इसको व्रत में जरूर बनाएं, व्रत में खाएं, नवरात्रि है, शिवरात्रि है, ऐसे कोई भी व्रत आए आप इसको बना खा सकते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।